हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो डर्माटाइटिस ओवरजेल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फ्रेश करने के लिए, नहाने के लिए यूज होता है गाइस। ये 100 ml में रहता है और 279 इसका MRP है और ये इगड़े निगड़े फार्मास्यूटिकल LLP के द्वारा बनाया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है HNH। एंड गाइस, ये ऑरेंज कलर में रहता है। इसके अंदर कंटेंट एलोवेरा 5% वेट बाय वेट रहता है, ग्लिसरीन 2% रहता है। गाइस, इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डीप में बता देता हूँ कि इस प्रोडक्ट का मेन यूज होता है फिल द फ्रेशनेस। डर्माटाइटिस शॉवर जेल इसका नाम है। ये स्किन को रिफ्रेश करता है तथा जेंटली क्लीन करता है। इसके अंदर ऑरेंज ऑयल डाला गया है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एंड मूड इन्हेंसर होता है, जो कि मूड को अच्छा करता है लगाने के बाद। इसके अंदर 22% मॉइस्चराइजर एंड इमोडियंट इग्रेडिएंट डाला गया है, जैसे कि एलोवेरा जेल एंड ग्लिसरीन ओलवीएम 300 एंड एमी सॉफ्ट एंड पेरासोल मॉइस्ट एक्सेस डाला गया है। तो ये डर्माटाइटिस शॉवर जेल इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट यही डाला गया है। आपको ये फोटो साइड में दिख रहा है तो आप एक बार रेफर कर लेना अच्छे से यूज करने के लिए। तो गाइस, स्किन के लिए इतना ही, मतलब ड्राई ड्राई रहती है, मतलब नहाने के बाद भी ड्राई होती है। जिसको साबुन वाला पसंद नहीं है तो वो ये यूज कर सकते हैं। ये एक पैकेट कम मिनिमम 1 मंथ तक चल जाता है आराम से, उसके ऊपर भी। गाइस, इसको थोड़ी क्वांटिटी में लिया जाता है, सेक करने से पूरा फॉर्म हो जाता है गाइस। तो ये बहुत ही अच्छा शॉवर जेल है गाइस, आप ले सकते हो। एलोवेरा और ग्लिसरीन के द्वारा डाला गया मेन इंग्रेडिएंट है इसके गाइस, यही है इसके। और कुछ भी डाउट रहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछे ताकि हम आपको बता सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।